It's like this. Just like in a roller coaster. Are you saying? It's really like a roller coaster. दुनिया में इससे ऊंची ऐसे steep है ही नहीं. Oh, खुदा. I think this is the highlight of this one. This is me taking a video of me taking a video of me and then taking a video of me. Welcome aboard. Hey. Outside the window. ये इनकी फेमस चर्च है, ये एक इनका फेमस ब्रिज है, और ये सारे इनके फेमस माउंटेन्स, ये सारे इनके फेमस लोग चल रहे हैं नीचे. ये मेरे फेमस बच्चे और ये मेरी फेमस बीवी, लेकिन ये सारे सो रहे हैं. What's up guys, welcome back to the channel. पीछे आपको घंटियों की आवाज़ आ रही होगी. We are in Lausanne, the beautiful city of Lausanne. ये मेरे पीछे है चैपल ब्रिज. इस ब्रिज की खास बात क्या है, ये ब्रिज 700 साल पहले बना था, 1313 में, और दुनिया का सबसे पुराना ये कवर्ड ब्रिज है. सिर्फ पैदल चल सकते हो, गाड़ियाँ नहीं चलती इस पर, और इसके ऊपर एक छत बनी हुई है. एक बार ये ब्रिज जल भी गया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने काफ़ी इसको रिस्टोर किया. तो आज के दिन का जो अपना कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करते हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, फिर चलेंगे आगे. आसपास पुरानी पुरानी बिल्डिंगें बनी हैं. हमारा जो होटल है, जो अपार्टमेंट है, इट्स राइट देयर. बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में. अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे जिसका नाम है माउंट स्टूस. ये जो चर्च है हमारे पीछे, इसका नाम है जसुई चर्च, और ये 17th सेंचुरी की चर्च है, और काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर इसका, जो अभी हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं, इसको बोलते हैं बरोक आर्किटेक्चर. की जो चर्च होती है, इसके अंदर डेकोरेशन थोड़ी अलग तरह की होती है, पूरा थिएट्रिकल एग्जूबरेंस और जिसको बोलते हैं एग्जैजरेशन टाइप होती है हर चीज़ की. तो आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी थिएटर में बैठे हो. बहुत ही इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल चर्च है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. कितनी सुंदर पेंटिंग्स है ऑल ओवर, ऊपर छत पे भी ऐसे माइन्यूट डिटेल्स ध्यान में रखे, और बहुत ही अमेजिंग है पेंटिंग. सही में बढ़िया है. हाँ, बहुत सारी चर्च देखे हैं, बट दिस इज लाइक रियली ब्यूटीफुल. समक्ष इधर बहुत अच्छी है उनको. Nice. For you, daddy. Train or station,
लग रहा फ्रंट पे बीच में डीडीएलजे वाला। हाँ डीडीएलजे वाला लग रहा है। हाँ ऐसे ही स्टेशन थे, छोटे वाले भी थे जहाँ पे वो ट्रेन छूटती है। ये तो वो है फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, हर एक के बारे में। ओके हम पहुंचे हैं इस स्टेशन पे जिसका नाम है श्वेज। यहाँ से हमारे को लेनी है एक बस जो कि हमारे को लेके जाएगी स्टूस माउंटेन तक। Oh, Gio. Either. It's like this. Just like in a roller coaster. Are you saying? It's really like a roller coaster. Then they go down like. Whoa! Look at that. What do you think it'll be? Okay, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे स्टूस। ये जो स्टूस है, ये पूरी दुनिया की सबसे मतलब steepest railway कह लो इसको। This is actually a funicular. But जब आप नजदीक से देखो, oh my god, this has a total grade of 110 degrees. दुनिया में इससे ऊंची ऐसे स्टीप है ही नहीं फ्यूनिकुलर। यहाँ से देख के पता चल रहा है इसका, ये खड़ा 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 ऊपर बिल्कुल। हाँ हाँ इन वन मिनट लिखा हुआ है। और ये क्या करते हैं बेसिकली अंदर, क्योंकि अब ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो ऐसे हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी तो आप भी ऐसे हो जाओगे, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो जो कैबिन है अंदर वो सेल्फ लेवलिंग है, वो कैबिन हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे ट्रेन आगे से ऐसे ऊपर चले जाए आप अंदर सीधे बैठ रहोगे। तो ये बड़ी एडवांस इन्होंने ऐसे बना रखी है ये। जब तक वेट कर रहे हैं आपको एक टिप दे देता हूँ। तो हम लोगों ने जो स्विस ट्रैवल पास लिया था, ये फ्यूनिकुलर उससे ट्रैवल पास में इंक्लूडेड है। बस विंडो पे जाओ, उनको बोलो कि मेरे पास स्विस ट्रैवल पास है, वो चेक करके आपको इसकी टिकट दे देंगे। ये जो ऊपर है ना, ये ग्रेड लिखा हुआ है, कितने ग्रेड पे 110 तक जाएगा, ये 50 80 110। आगे वाली ऊपर हो गई, देखो ये देखो ये ग्रेड यहाँ पे आ गया 50। Look at this. कितनी स्टीप है। I don't feel it going steep. Yeah, because you know this levels. See ये देखिए ऊपर हो गया वो वाला। कितना ऊपर आ गए यहाँ, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। वहां से नीचे से आए थे हम, इधर नीचे से आए थे, कहां तक पहुंच गए यार। बट क्या सही है यार ये वाली फ्यूनिकुलर, ऊपर आते सीधा स्नो में पहुंच गए। तो देख अब सीधी हो गई सारी।
Now it's going like abhi aise chal rahi hai lekin it was like this like so when it was 1 to 10 it was like this basically yeah वैसे ऊपर ना या करने की तीन चार एक्टिविटीज है यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स है एक छोटा सा विलेज है और व्यू पॉइंट्स है काफी अब वो हम एक्चुअली स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक तो बारिश हो रही है बाहर में खड़े होने का कोई इतना वो नहीं है और दूसरी बात है थोड़ा जल्दी में भी है यहाँ से ये वाला कवर करके वापस जाएंगे लुसर्न टारगेट है वहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजियम है इट्स कॉल्ड अ ग्लेशियर गार्डन वेरी यूनिक तो वो कवर करने की कोशिश करेंगे इसलिए बस हमारे को एक मेन ये करना था जो दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट फ्यूनिकुलर है ये करके विल गो टू लुसर्न ये भी वैसे कमाल की इनकी इंजीनियरिंग है कि नीचे जाएगी तब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम लेवल पे हो यू विल नॉट फील लाइक कि हाँ तुम नीचे जा रहे हो इतने स्टीप पे जा रहे हो तो इन्होंने यही किया हुआ ना ये अभी ऐसे पूरे लेवल पे आई है अब ये ना ऊपर होता जाएगा राइट ओ देख सामने से आ रही है एक और ओ देखो ओ वो उधर हो गई चलो चलो गाइस आफ्टर यू जल्दी करो Coffee with the view. Let's go now. अपने वहाँ में वैसे अपने वहाँ बेचने वाले आ जाते हैं चाय ले लो अपने वहाँ में देखते हैं चाय काफी 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 या खुद ही निकाल देते हैं ए बी वो रबी वो लेफ्ट साइड बी वो रबी नंबर प्लेटफॉर्म ऊपर वो लगे हुए यहाँ पे कनेक्टर आगे वन नंबर हमारे को लेनी है वन नंबर आर बस पीछे हो जाओ थोड़ी आई 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 ट्रेन की तरह ही है बस रोड पे चलती है लेकिन चलो 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 खड़ा होना पड़ेगा स्विट्जरलैंड की शॉप में ऋतिक ऋतिक रोशन की एड बच्चों ने क्रिश देखे तो बच्चे इसको क्रिश के नाम से जानते हैं ऋतिक रोशन को Okay, that's good. Okay, this is the Glacier Garden. यहाँ जाके find out करते हैं क्या है खास. ये जगह जो है किसी बिजनेसमैन ने खरीदी थी उस टाइम पर उसने सोचा था यहाँ पे माइन सेलर बनाऊंगा लेकिन जब उसने ब्लास्ट किया ना तो नीचे ये पॉट होल्स मिले तो फिर उसको जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने कन्विंस किया कि दिस इज समथिंग विच शुड प्रिजर्व तो फिर उन्होंने इसको ये ग्लेशियर गार्डन में कन्वर्ट कर दिया
क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसको स्टडी करके पता चलता है कि आइस एज में कैसे चट्टाने थी, कैसे था सब, है ना। Look at this. Coming. We have a projection here, yes, honey. बड़ी अच्छी एग्जीबिशन बनाई हुई है, जगह जगह पे ऐसे कितने प्रोजेक्शन से, कहीं नीचे कहीं ऊपर, ये रॉक के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है। वाओ, वी आर इनसाइड अ रॉक। ये रॉक के अंदर उन्होंने केव सी बनाई हुई है और उस केव के अंदर ऐसी प्रोजेक्शन है यार, वेरी ब्यूटीफुल यार, कितना सही है ये। तो यहाँ पे चट्टान के ऊपर प्रोजेक्टेड ऐसे दिखा रखा है कि कैसे एनिमल्स आए, फिर ह्यूमंस आए, और ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है। रियली अमेजिंग है यार कि कैसे गुफा, चट्टान के अंदर गुफा बना के अंदर प्रोजेक्शन हो रही है यहाँ पे। यार ये देखना क्या सही बना रखा है ये। सो कीप टर्निंग दिस व्हील, और ये आपको बताएगा कि कैसे मीटियोर आके धरती पे गिरे, कैसे वोल्केनो थे, फिर आइस एज आ गई, फिर आइस एज हट गई, फिर यहाँ पे लूसर्न शहर बन गया। साक्षी को ना म्यूजियम्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इस म्यूजियम के बारे में तेरा क्या कहना है? ये वाला बढ़िया है। मुझे आर्ट म्यूजियम पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। वो जहाँ पे बस वो बनी हुई है पेंटिंग्स और ये सब देखते रहो, दो नेचुरल हिस्ट्री वाले अच्छे लगते हैं। नेचुरल हिस्ट्री वाले अच्छे लगते हैं, जिनके पीछे कोई साइंस और कोई फ्यूचर की बात बता रहे हो, पास्ट में क्या हुआ, कैसे धरती बनी, ये सब मुझे पसंद है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूजियम है यहाँ पे अगर आप आते हो तो। द बेस्ट थिंग इज अगर आपके पास में स्विस ट्रैवल पास है, दिस इज इंक्लूडेड। सो वैसे इसकी 20 फ्रैंक पर पर्सन की टिकट होती है, पर हमारे को नहीं लगे, बिल्कुल फ्री। इस पे भी फ़र्क पड़ता है कि प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। एक होता है कि आप सिर्फ वहाँ पे आपने पिक्चर्स लगा दी और दिखा रहे हो, ये इनका प्रेजेंट करने का तरीका कितना यूनिक एंड बढ़िया था यार, मतलब अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसको नहीं भी होगा ना उसको भी आ जाएगा। ये पुराने ज़माने के लोगों के घर कैसे होते थे वैसे प्रिजर्व कर रखा है, कि जैसे इधर लोगों के घरों से ग्लेशियर नज़र आते थे और ये उनका घर होता था। इवन हवाएं चलती थी तेज़, वो हवा की भी आवाज है यहाँ पे। ओ खुदा, आई थिंक दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस वन, मिरर मेज। ध्यान से यहाँ कहीं भी मिरर, ओ इस मिरर मेज की खास बात क्या है ये तो बता दे इसमें से। सो ये मेरे पीछे है मिरर मेज, जो कि 1896 में बनी थी, 100 साल से पहले, फॉर द नेशनल एग्जिबिट ऑफ जिनीवा, जिसको 1899 में यहाँ लेकर आए थे। इट्स क्रेजी, कौन से डायरेक्शन में जाना है भाई। अच्छा तू इधर है, किधर है तू, इधर है किधर है, तू इधर है कि तू इधर है? नहीं सीरियसली तू इधर है कि तू इधर है? तेरा सर कैसे किसका लगता है पहले? ओ
फोन लगाओ। लगी साक्षी भी जाके बजी अभी। Is this the real you? मिरर कितने साफ रखने पड़ते होंगे। हाँ मिरर बिल्कुल साफ रखने पड़ते हैं तो। चीकू बेटा दूर मत जा, फिर तो मिलेगा भी नहीं हमारे को कहीं। चीक समक्ष, द रियल समक्ष, रेज योर राइट हैंड। Oh, which one is the real one? The real one. Don't do that. Okay. This is me taking a video of me, and then taking a video of me. Okay, ये लगभग 150 साल पुराना स्विस शैले है, turned into a museum. इसके अंदर भी चलते हैं। लुक एट, ये देखो ये जो मैमथ होते थे ना उनका, उसके दांत है बड़ा, कितना बड़ा है ये देखो। तो ये हम हैं एक टिपिकल स्विस शैले में, जो स्विस लकड़ी के घर हुआ करते थे। ये लगभग 150 साल पुराना घर है, किसी का घर था जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या जबरदस्त घर है यार। ये अलग अलग तरह की रॉक और क्वार्ट्ज जो ज़मीन में से मिले हैं, इनको खोद खुदाई वगैरह करके यहाँ पे ये रखे हुए हैं कुछ। ये उन लोगों का बेडरूम प्रिजर्व किया हुआ है जो यहाँ रहते होंगे। छत देख, ये रूम्स की कितनी बढ़िया बनी हुई छतें। ये उनके संदूक पड़े हैं। यहाँ पे आप एक घंटे में पूरा आराम से ये म्यूजियम घूम सकते हो, तो अगर आपके पास एक डेढ़ घंटा हो सो आई वुड रिकमेंड कम टू दिस म्यूजियम। और खासकर अगर आपके पास स्विस ट्रेवल पास हो फिर तो म्यूजियम फ्री है, उसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे एक और अट्रैक्शन है जिसका नाम है डाइंग लाइन स्टैचू। सो ये मेरे पीछे है डाइंग लाइन का मॉन्यूमेंट, और आगे उसके छोटा सी लेक सी पूल सा बना हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है 1792 में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे स्विस के कुछ गार्ड्स थे जिनको मार दिया गया था, उनको काइंड ऑफ एज अ लॉयन, मरता हुआ लॉयन दिखाया हुआ है और ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है। और इसके साथ में जो ये म्यूजियम था जहाँ हम गए थे, वेरी गुड म्यूजियम, हाईली रिकमेंड अगर आप लुसर्न आते हो, ये दोनों जगह पे ज़रूर जाना। अब टाइम वैसे तो शाम के 6-8 बजे तक फुल रोशनी रहने वाली है। जो अट्रैक्शंस घूमनी थी हम लोगों ने वो आज ही घूम ली, अब थोड़ा घूमेंगे यहाँ की मार्केट्स। हेलो, रोर लाइक अ लायन, ये लायन है। विंडो शॉपिंग, सामान रखने की जगह तो है नहीं हमारे पास वैसे, और विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, इनके लिए बना लेगी। Thank you.
अपने जगह ढूंढ लेते हैं बैठने की। चिक्कू ने वीडियो एंड कर दिया जी। तुम नहीं जाओगे भाई अंदर, सुन लिया? स्टे विद मी, स्टे हियर। टायर्ड, बस अभी आगे घर आ गया सामने अपना। बस स्विट्जरलैंड का जो पानी है ना वो बहुत साफ है, इतना साफ, और हर जगह पे जो पानी गिरता होता है ये भी साफ है, आप कहीं से भी पी सकते हो। जहाँ भी ये टैप होता है जस्ट ड्रिंक। हाउ वाज इट? नॉर्मल? या ये सारे महंगे महंगे स्टोर हैं भाई, सड़क पे यहाँ नहीं जाना हमने, ठीक है इधर चलते हैं। तो ये है इस अपार्टमेंट की लॉन्ड्री, फ्री लॉन्ड्री है ये, अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे लगा था ये ज़रूर पैसे की होगी, बट फ्री है। डिटर्जेंट अपना चाहिए तो है ना, डिटर्जेंट साक्षी घर से ही लेकर आ गई थी कुछ की, अगर कहीं लॉन्ड्री मिल गई तो वहाँ पर कर ही लेंगे। उस पर क्या दबाया था फिर, यही वाला उस पे अपने आप ही आ गया था, यही वाला दबा हुआ था, फिर यही दबा दिया। पर उस पे आया था एक्सप्रेस में एक घंटा, इसमें आया एक्सप्रेस में 35 मिनट। चल धो ही देगा, समझदार होगी मशीन ये, इतनी भी कोई बेवकूफ नहीं लग रही। एक बार चल लेना फिर चलेंगे। आजकल की मशीनें पहले से सीखी सिखाई आती हैं। चल गई है तो मतलब धो ही देगी, ऐसी क्या बात है।